फ्लिपकार्ट की तरफ से बहुत ही धमाकेदार लूट ऑफर निकल कर आ रहा है, जिसमें आप लोगों को अनलिमिटेड टाइम 25 रुपीज़ करके फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड मिलता ही जाएगा अनलिमिटेड टाइम। तो यहाँ पर मैं पूरा प्रोसीजर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ध्यान से इस वीडियो को देखो, एक पॉइंट आप मिस कर दोगे तो आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, मेरा वीडियो वॉच करते करते आप लोग एक्स्ट्रा कैश भी कमा सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आई बटन में दिया हुआ वीडियो जरूर देखें, उसमें आप लोग देखते देखते आप लोगों को एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, उसमें आप लोगों को पूरा डिटेल्स में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कैसे आप लोगों को 25 रुपीज़ करके अनलिमिटेड टाइम मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्लिपकार्ट का डिजिटल गिफ्ट कार्ड है, ये है 25 रुपीज़ का। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस गिफ्ट कार्ड का, तो वहां पर जाकर क्लिक करके ये वाला गिफ्ट कार्ड ओपन कर लो। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाय नाउ करना पड़ेगा। तो आप लोग जब बाय नाउ करोगे, यहां पर आप लोगों का नाम पूछ रहा है, तो जिसको जिसको आप भेजना चाहते हो उसका नाम, तो यहां पर कुछ भी नाम डाल दीजिए। यहां पर ईमेल आईडी आप लोग सही से ही डालना, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर 25 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड सेंड होगा। तो यहां पर आप लोग, मैं नाम डाल देता हूं, ईमेल आईडी डाल देता हूं, उसके बाद आप लोगों को दिखा देता हूं इसका प्रोसीजर। नाम ईमेल आईडी सब कुछ सही सही डालने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर पेमेंट पेज में आप लोग आ जाओगे। तो पेमेंट पेज में यहाँ पर है मेन फंडा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक ऑफर निकल के आ रहा है जो आरबीआई की तरफ से, आरबीआई के एक रूल निकल के आ रहा है, जिसमें आप लोगों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी कार्ड हो, फिजिकल कार्ड हो, वर्चुअल कार्ड हो, रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, कोई भी कार्ड हो, मेरे पास तो 20-25 कार्ड है, तो इससे मैं लूटूंगा। तो वो जो कार्ड है, वो कार्ड सेव करने के लिए आप लोगों को 25 रुपीज़ करके मिल रहा है। तो मैंने 25 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड का इनिशिएट किया ऑर्डर, तो यहाँ पर आप लोगों को 25 रुपीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर देखते हो एक चेक बॉक्स देख रहा है, तो इस चेक बॉक्स को चेक रखना है, मतलब डेबिट कार्ड पहले डाल दो, डालने के बाद इसको चेक कर दो। यहाँ पर लिखा है 25 रुपीज़ आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर CVV डाल के आप लोग पेमेंट कर दो। तो एक कार्ड से एक बार ही होगा, आप लोगों के पास जितना कार्ड होगा उतना टाइम आप लोग 25 रुपीज़ करके मिलता जाएगा। तो 7 वर्किंग डेज के अंदर ये कैशबैक मिलेगा। आप लोग पहले 4-5 कार्ड से इसको अप्लाई करो, करने के बाद जब कैशबैक मिलना शुरू हो जाए उसके बाद आप फिर से अप्लाई करो, एक साथ बल्क में सब कार्ड से ऑर्डर मत कर देना। तो ईमेल आईडी सब हमेशा सही सही डालना, क्योंकि उसी ईमेल आईडी में आप लोगों को 25 रुपीज़ पहले मिलने वाला है, और जो कैशबैक मिलेगा ये फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड में मिलेगा, तो वो आपको वॉलेट में मिल जाएगा।